सो जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th, दैट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस देखा जाए तो ये ट्रूली एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा। सो थोड़ा जाने कि मैट्रिसेस होता कैसे है, ये बनती कैसे, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने। तो मैट्रिसेस देखा जाए तो बेसिकली अगर आपने क्लास 9th-10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मैट्रिसेस एक तरीके से जो लीनियर इक्वेशन में जो कोफिशियंट्स होते थे ना उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, इससे हमें क्या बात मानने को मिली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूँ, राधा हैज टू पेंस एंड थ्री पेंसिल, एंड वन मोर स्टेटमेंट अगर मैं लिखूँ दैट राम हैज थ्री पेंस एंड टू पेंसिल। सो इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा ना लिख के मैं इसकी एक टेबल भी बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल राधा राम और यहां पे मैं पेन एंड पेंसिल्स, राधा के पास कितने पेन है जी टू, इसके पास कितने पेंसिल है थ्री, राम के पास थ्री एंड टू पेंसिल। तो ये एक टेबुलर फॉर्म हो गई। नाउ इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूं तो मैं इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। वो कैसे, मैं जो कोफिशियंट है ना, देखा जाए तो कोफिशियंट है कैसे, पेन का कोफिशियंट क्या है टू, पेंसिल का थ्री, तो इन कोफिशियंट को मैं एक टेबल की फॉर्म में लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल टू थ्री एंड थ्री टू, ठीक है, और इनको एक बॉक्स में जो कि कंप्लीट बॉक्स नहीं है उसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नाउ ध्यान रखना इसी रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, बहुत सारी मैट्रिक्स हो जाएंगी तो उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ये इसकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इसी टेबुलर फॉर्म को मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें अगर आप चीज नोटिस करें तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, तो वन टू थ्री फोर, ये फोर एलिमेंट्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कभी क्या ये टू यहां पे ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ टू थ्री थ्री हो, ये स्पेस एम्प्टी हो, जी नहीं। ध्यान रखना हमेशा मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, एरे मतलब एक टेबल टाइप जिसके अंदर हर जो पोजीशन होती है वहां पे एक एलिमेंट आपका होना कंपलसरी है, वरना वो मैट्रिक्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, यहां पे ये क्या है, स्क्वायर है। अब ये कैसे पता लगा कि स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है, तो एक चीज मैं देखूं यहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम बोलते हैं रोज, एंड ये जो वर्टिकल हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल हैं वो आपके रोज हो गए, जो आपके वर्टिकल हैं ये कॉलम है। तो कितनी वर्टिकल्स लाइन है, तो मैं देखूं तो आपके पास दो वर्टिकल हैं, वन एंड टू, तो दो इसमें कॉलम हो गए एंड दो ही आपकी रोज हो गई, वन एंड टू। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको मैट्रिक्स दे दूं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, ध्यान रखना मैट्रिसेस में ये हमें ऐसे ही क्लोज करना है, इसको पूरा बंद मत कर देना या फिर सिंपल मॉड लगा के मत छोड़ देना, लाइक मॉड की तरह जो लाइंस खींचने वैसे भी नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेशन इस तरह ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखूं, अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि भाई कितने इसमें रोज हैं, तो रोज मैंने आपको बताई थी वर्टिकल ब्लॉक जो होती हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कितने जी, वन एंड टू। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, आपको ये बनाने नहीं है। तो कितनी रोज है जी, इसमें टू रोज हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कॉलम्स की, तो कॉलम्स मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिकल वर्टिकल जितने भी आपके ब्लॉक बनेंगे वो क्या है, कॉलम्स। ठीक है, तो कितने बन गए, वन टू एंड थ्री, तो इसके कितने हो गए, थ्री कॉलम्स हो गए। नाउ आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस।
नाउ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है फोर से अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लूँ आपकी ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने आपकी मैट्रिक्स ले ली, तो ऑर्डर कुछ नहीं होता, आपसे वो क्वेश्चन किसी से पूछेगा कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एम क्रॉस एन, वेयर एम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिसेस के ऑर्डर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो एम क्रॉस एन से रिप्रेजेंट होता है। इसकी रीडिंग कैसे करते हैं, क्रॉस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एम बाय एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो एम क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो रोज क्या बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, तो ये कितने हो गए, वन टू, तो क्या होगा टू क्रॉस, ठीक है, फिर टू बाय, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स क्या होता है आपका वर्टिकल, तो वन टू थ्री, तो टू बाय थ्री की आपकी ये मैट्रिक्स है। ऑर्डर को लिखते कहाँ है, रिप्रेजेंटेशन हमेशा मैट्रिक्स के राइट ब्लू कॉर्नर में, ठीक है, यहां पे आउटसाइड टू क्रॉस थ्री, यहां पे टू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपके नंबर ऑफ रोज एंड थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं और आपसे पूछूं ए बी सी डी, इसका अगर आप मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर बताओ, तो आप चेक करो कि भाई नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो वन टू, तो टू लिख लिया, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, तो वन टू, तो टू बाय टू की आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो नाउ बात कर लेते हैं ये m और n की वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं। ध्यान रखें m जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन आपका क्या होगा, जीरो होगा, और n भी ग्रेटर देन जीरो होगा, कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज कभी जीरो हो ही नहीं सकती। आप कोई मैट्रिक्स बनाओ, क्या उसमें नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ रोज जीरो हो सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक सिंपल एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट ही लिख देता हूँ, जैसे ए लिख देता हूँ, तो इसके अंदर भी आपकी क्या है वन, ये क्या है आपकी वन बाय वन, बिकॉज इसमें एक ही आपका क्या है रो है और एक ही आपकी क्या है कॉलम है, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर मैं ले लूं ए बी, तो इसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी, एक आपकी क्या हो गई कॉलम और रो कितनी होगी वन टू, तो टू बाय वन की मैट्रिक्स होगी, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपकी बनी ही नहीं है, वो पॉसिबल होगी नहीं, इसलिए एम और एन हमेशा क्या होंगे ग्रेटर देन जीरो होंगे, ठीक है। नाउ आते हैं मैट्रिक्स के अंदर जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एक एलिमेंट होते हैं फोर वन टू जीरो, ठीक है, क्या जीरो भी एलिमेंट हो सकता है? जी हाँ, जीरो एक एलिमेंट तो हो सकता है ना, क्योंकि जीरो भी क्या है एक नंबर है, बट कोई स्पेस यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसा नहीं हो सकता फोर वन और जीरो और टू की जगह कुछ ना लिखा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होनी जरूरी है तभी वो मैट्रिक्स बनेगी, ऐसा नहीं कोई स्पेस खाली मिल जाए, ठीक है। जीरो भी क्या है एक आपस में एक नंबर है, ठीक है, इस जीरो को इससे कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डर है, ये क्या है ऑर्डर, ये बता रहा है कितने रोज और कितने कॉलम है, और ये जीरो क्या है, ये तो एक एलिमेंट है, ठीक है, किसका, मैट्रिक्स का। नाउ आते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस फोर की पोजीशन बताओ, क्या बताओ पोजीशन, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फोर है ये आपका फर्स्ट रो का पार्ट है और फर्स्ट ही कॉलम का पार्ट है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए से, स्मॉल ए से, ठीक है, देन उसकी नंबर ऑफ उसका नंबर ऑफ रो बताना है, कॉलम बताना, तो रो कितना है जिसका, फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो ए वन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फोर हो जाएगी, ठीक है। नाउ आते हैं वन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वन देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट रो का पार्ट है, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसको ए वन टू क्या हो जाएगा आपका वन ही हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ध्यान रखना ये क्या है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की क्या है एक टेक्निक है, ठीक है। हमेशा पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफरेंस हमेशा रो को दी जाती है फिर कॉलम को दी जाती है, ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि पहले कॉलम लिख दो और रो लिख दो। नाउ अगर मैं पूछूं इस एलिमेंट को क्या बोलूंगा, तो ये बोलेगा आपका फर्स्ट क्या है, आपका सेकंड रो है, सेकंड रो, तो ए पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एलिमेंट को, ए से। नाउ सेकंड रो,
सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ए टू वन हमेशा क्या होगा आपका यहाँ पे टू होगा, ठीक है। अगर मैं जीरो की बात करूं तो ये क्या होगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ए टू टू आपका क्या होगा जीरो होगा। तो एक चीज मेरे को पता लग गई कि हर एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स उसकी एक यूनिक पोजीशन होती है, ऐसे नहीं बोल सकता कि ए वन वन यहाँ पे कुछ और होगा। अगर इस मैट्रिक्स में चार है तो ए वन वन हमेशा फोर ही होगा। तो हर एलिमेंट की एक यूनिक खुद की एक आइडेंटिटी होती है इन मैट्रिक्स, ठीक है। जनरली जनरली एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ए आई जे से, ठीक है, स्मॉल जे, ए आई जे से। आई क्या होता है वही कि वो एलिमेंट कौन सी रो में है, और जे क्या होता है कौन से कॉलम में है, ठीक है। ध्यान रखना आई जे ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, ऑर्डर बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, या आपको क्या होगा ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑर्डर। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। आई क्या होता है वो एलिमेंट कौन सी रो में है, एंड जे वो एलिमेंट कौन से कॉलम में है। नाउ अगर एग्जामिनर आपसे एक नंबर में ये पूछने लग जाए भाई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x1 है, क्या है ऑर्डर 3x1 है, तो आप मुझे बता सकते हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बहुत आसान है, देखो पहला मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं भाई, 3x1 का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है तीन रो हैं, क्या है तीन आपकी रो है, तो मैंने बना दिया आपका ए बी सी। नाउ कॉलम कितना है कि कॉलम उसमें वन ही है, तो ए कॉलम मेरा ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये कभी, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा जीरो से बड़ा होगा। आप एक भी एलिमेंट लिख देते हो तो वो ऑटोमेटिकली 1x1 की तो मैट्रिक्स हो ही जाती है, ठीक है। तो ए बी सी कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3 एलिमेंट हो गए। तो अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो हम क्या सिंपली क्या कर सकते हैं 3x1 की मल्टीप्लाई करके 3, तो 3 सॉरी अगर मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं तो मैं ऑर्डर क्या करता हूं सिंपली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, 3 एलिमेंट्स निकल जाते हैं। नाउ अगर आप कोई बोलते भाई किसी मैट्रिक्स में तीन ही एलिमेंट है, क्या है तीन एलिमेंट है उसका ऑर्डर बताओ, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डर एलिमेंट से डायरेक्टली नहीं बता सकता, हम पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3x1 में भी 3 एलिमेंट होंगे और 1x3 में भी एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ए बी सी, ये मैट्रिक्स क्या है 1x3 की मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है जी 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी कितने हैं 3 एलिमेंट हैं, तो हमें अगर वो पूछे कि भाई 3 एलिमेंट हैं तो हमें 3 के सारे फैक्टर्स निकाल देने हैं, ठीक है, सारे क्या कर देने हैं हमें फैक्टर्स निकाल देने हैं, और सबके साथ क्या बनानी है पेयर बना देना है, ठीक है। जैसे 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 का फैक्टर एक तो 3 होता है खुद और एक 1 होता है, तो सारे पेयर क्या बनेंगे या तो 3x1 बनेगा या 1x3, तो ये क्या हो जाएंगे ऑर्डर बन सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट है। लेकिन अगर मेरे को ऑर्डर पता है, जैसे यहां मुझे ऑर्डर पता है 2x3, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे 6 होंगे, 2, 3 या 6, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर क्या है 2x2 में कितने होंगे 4 एलिमेंट्स, और ठीक है 2x1 में 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक नंबर में वो ट्रिक करने के लिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन वो मेरे से पूछ रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, क्या है 8 एलिमेंट्स हैं, उसका वो मेरे से ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया आप 8 के फैक्टर्स निकालो सारे, तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो 8 खुद होता है, एक 1 होता है, क्या 2 भी होता है, हाँ जी, क्या 4 भी होता है, हाँ जी, और क्या होता है आपका बस 2 और 4, 8, 1, ठीक है ना। इसमें से हम वो पेयर देखेंगे जिनका प्रोडक्ट 8 आता हो, तो एक क्या सकता है 8,1, क्या सकता है 8,1, एक आपका क्या सकता है 1,8, ठीक है, एक क्या हो सकता है 2,4, और एक अगला क्या हो सकता है 4,2, ठीक है। तो यही वो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आएंगे, आप कर भी सकते हो। अगर 8x1 की कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 8 ही होंगे, 8 1 जा 8 1 8 जा 8 2 4 जा 8 4 2 जा 8, ठीक है। ध्यान रखना ऑर्डर का प्रोडक्ट ही क्या देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें देगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे पेयर बन गए, लेकिन क्या रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जी नहीं, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 8x8 बाय 1, 1 बाय 8, 2 बाय
फोर फोर बाय टू, ठीक है। तो ये पेयर्स बना के मुझे क्या करना है, ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो गए वो मैट्रिक्स के जिसके अंदर एट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये मत कर देना टू वन क्रॉस टू कर दो, क्या कर दो, वन क्रॉस टू कर दो या वन बाय टू कर दो। क्यों? क्योंकि आप क्या भाई आप सबके पेयर बनाने लग जाओ, वही पेयर फैक्टर्स के, देखो पहले आपको क्या करना है, एट के फैक्टर्स निकालने हैं, उसके अंदर वही पेयर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट एट आ रहा हो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एट ही है ना, वो भी तो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो इसलिए वन क्रॉस टू इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन वो मेरे से पूछ रहा है, नाउ अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे कॉमन सेक्शन में बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बनेंगे, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर आपके कितने बनेंगे, ये मुझे कॉमन सेक्शन में बताओ अगर आपको समझ में आ गया। नाउ एग्जांपल नंबर थ्री पे आते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर थ्री बताने से पहले मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट्स को, तो मैं किस रिप्रेजेंट करता हूँ, ए आई जे के फॉर्म में, ठीक है। अगर मुझे एलिमेंट ना पता हो और मुझे डायरेक्ट एलिमेंट्स पुट करने हैं लेट करके, तो मैं क्या करूंगा, पहला एलिमेंट अपना क्या माना जाता है, ए वन वन। क्यों माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो का होगा और फर्स्ट कॉलम का। अगला क्या होगा, ए वन टू, क्यों, इसकी क्या है, फर्स्ट रो है और सेकेंड आपका कॉलम हो गया, ठीक है। ये वाला क्या होगा, ए सेकेंड आपका क्या हो गया, रो हो गई और फर्स्ट कॉलम, तो ए टू वन, ये क्या होगा, ए टू टू। इस तरीके से ये क्या होगा, ए थ्री वन, और ये क्या होगा आपका, ए थ्री टू। ऐसा करके आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे भी, यहाँ किधर भी बढ़ाते चले सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है, जो आपने एलिमेंट लिखा है, जो आपने एलिमेंट लिखा है उसकी रो चेक कर लो कि वो रो कौन से में है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, थर्ड रो के, इसलिए थ्री और थ्री है, और ये फर्स्ट कॉलम का है, तो ए थ्री वन ए थ्री टू। तो ध्यान रखना कभी भी कोई पेयर मैच नहीं कर सकता, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से, और यहाँ पे भी आई ग्रेटर देन जीरो और जे ग्रेटर देन जीरो आपका होगा। नाउ आते हैं एग्जांपल नंबर थ्री पे। एग्जांपल नंबर थ्री क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ थ्री क्रॉस टू मैट्रिक्स हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे हाफ मॉड आई माइनस थ्री जे, ठीक है। इसको देखकर मुझे बताया आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, बट कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये एक तरीके से एक फॉर्मूला दिया है उसने कि मैट्रिक्स बनाने का, जब आप इसमें आई और जे की वैल्यू रखोगे ना, जैसे अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ए वन वन हो जाएगा। तो वहां पे मैं आई की जगह क्या रख दूंगा, वन रख दूंगा, और जे की जगह क्या रख दूंगा, वन रख दूंगा। तो जो मैं कैलकुलेशन यहां करूंगा उससे मेरे क्या क्या निकल के आ जाएगा, ए वन वन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थ्री क्रॉस टू की एक मैट्रिक्स डिजाइन करता हूं, मेरे को एलिमेंट नहीं पता लेकिन मैं कर देता हूं। थ्री क्रॉस टू का मतलब क्या है, जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, सॉरी क्या है कि तीन आपकी रो है दो कॉलम है, मतलब कि आप इसमें तीन आपकी क्या हो जाएंगी, रो हो जाएंगी और दो इसमें कॉलम हो जाएंगे। तीन रो हो जाएंगे तो पहला एलिमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए वन, और फर्स्ट उसका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सेकंड रो हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रहेगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, ए थ्री, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। ये काम मैंने कर लिया। नाउ आते हैं सेकंड एलिमेंट पे, सेकंड एलिमेंट बोल दो या फिर सेकंड रो का क्या कर दो, सेकंड कॉलम का, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्या होगी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये क्या फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये क्या है आपका, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, और ये क्या है आपका, ए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स डिजाइन कर ली है जिस थ्री क्रॉस टू की, जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। मेरे को ये नहीं पता कि ए वन वन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू कहां से निकालूंगा, मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, ठीक है। क्या यही फॉर्मूला होता है, जी नहीं, फॉर्मूला तो कुछ भी बना लो, ये तो मेरी एक रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का एक तरीका है, ठीक है। ये नहीं कि मैट्रिक्स का सिर्फ यही फॉर्मूला है, उसने बस आपको मतलब कि बनाने के लिए एक जनरल का फॉर्मूला दे दिया। आप फॉर्मूला तो कितने ही बन सकते हैं, करोड़ों बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो वो तो मेरी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है कि थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स बनेगी ऐसी ही, ठीक है। तो ये तो वैल्यू में डालूंगा, तो अगर मैं ए वन वन निकालू फॉर्मूले में, तो मतलब क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू क्या है, वन है, जे की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। तो वन वन की जगह मैंने आई की जगह वन वन, ठीक है। तो हाफ आई की वन माइनस थ्री इंटू वन, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो हाफ वन माइनस थ्री, तो ये थ्री आएगा, माइनस का टू, और माइनस का टू क्या मॉड में क्या हो जाएगा, हाफ आपका टू आ जाएगा, ठीक है। तो ए वन वन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वन लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वन लिख सकता हूं, ठीक है।
अब निकालते हैं ए वन टू, ठीक है, सेकंड एलिमेंट को निकालते हैं, ठीक है। तो इसको सेकंड एलिमेंट मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसे सेकंड एलिमेंट बोल रही हूँ, ये भी तो सकता है सेकंड, यही क्यों है, बट क्यों है कि हम जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं इसलिए इसको सेकंड बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट पोजिशन क्या है, फर्स्ट आपकी रो एंड सेकंड इसका कॉलम, एग्जैक्टली इसको इसी नोटेशन के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए वन टू क्या होगा आपका, तो इसके अंदर में क्या डालना, आई की वैल्यू क्या हो गई इसमें, वन हो गई, और जे की वैल्यू टू हो गई, तो हाफ वन माइनस थ्री इंटू टू, आई होप समझ में आया होगा, हाफ वन, थ्री टू सिक्स माइनस वन क्या होगा, माइनस का फाइव बाय कितना आएगा, माइनस का फाइव होगा, ठीक है, मॉड लग गया, मॉड के अंदर क्या पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाइव बाय टू इसका आंसर जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट का ए वन, मतलब ए वन टू क्या होगा आपका, फाइव बाय टू हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं आपका निकलवाऊं ए टू वन, तो ए टू वन क्या होगा आपका, हाफ, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी टू, और जे की वैल्यू क्या होगी वन, तो हाफ, अब नाउ टू माइनस थ्री इंटू वन, ये क्या जाएगा, हाफ इंटू, अब टू में से थ्री में से थ्री टू माइनस, माइनस का वन, ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वन बाय टू, तो ये आपका आ गया वन बाय टू। नाउ ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर, ये जीरो नहीं है, ये मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तीन एलिमेंट आपको खुद निकालने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, ये तीन एलिमेंट आपको खुद निकालने हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके क्या क्या एलिमेंट आपके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें एक नॉलेज रहनी चाहिए, बाकी ऐसे एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे, किस पे आते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हो, वन हो, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जी आपके, आपके इसमें नंबर ऑफ कॉलम वन हो, ठीक है। फिर बात आएगी नंबर ऑफ रोज की, तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एलिमेंट में लिख दू वन लिख दू, ठीक है, तो ये क्या है, वन क्रॉस वन की एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर भी ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, हाँ जी ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वन है। एक अगली मैट्रिक्स लिख लू मैं इसमें वन टू, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी, टू है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, ये आपकी टू क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, ठीक है, दो रो हो गई इसमें और एक कॉलम हो गया, तो ये भी क्या है, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। अगली मैं लिख दू वन टू थ्री, ठीक है, ये क्या है, क्या ये भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, जी हाँ, थ्री क्रॉस वन की, तो मतलब कि नंबर ऑफ रोज इसमें डिफाइन नहीं होते, तो इसका ऑर्डर किस टाइप का होता है, एम क्रॉस वन का, ये नंबर ऑफ कॉलम हमेशा वन होने चाहिए, मतलब कि एम क्रॉस वन, नंबर ऑफ रोज का हमें मतलब नहीं है, कॉलम वन होना चाहिए। इस तरीके से रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका रो वन हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम की कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है, कितना भी हो सकता है, क्या वन आपका क्या होगा, कॉलम रो मैट्रिक्स होगा, जी हाँ, अगर मैं कोई एलिमेंट वन या टू डाल दूं अंदर, ये क्या होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रो कितनी है, वन, इसका ऑर्डर कितना है, वन क्रॉस वन। ध्यान रखना हमेशा ऑर्डर पूरा लिखा जाता है, ऐसे एक रो लिख के या फिर एक कॉलम लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर पूरा लिखो। रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूं मैं, कि वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है। अगर मैं कोई ऐसे लिख दूं टू कॉमा थ्री लिख दूं, सॉरी कॉमा यूज नहीं होता, ध्यान रखना मैट्रिक्स में कभी कॉमा यूज नहीं करते, ठीक है, टू थ्री लिख दूं, क्या लिख दूं, टू थ्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन क्रॉस टू की मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या ये भी रो मैट्रिक्स है, हाँ जी, कॉलम से मैटर नहीं है, मैटर किससे, रो से, रो कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अब आते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल हो जाए, मतलब एम बराबर एन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एलिमेंट ए ले लेता हूँ, ये क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जी हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि ये इसका ऑर्डर क्या है, वन क्रॉस वन, ये क्या है, इक्वल है। नाउ अगली मैं बना दूं ए बी सी डी, ठीक है, क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ, इसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू, ये नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब जब भी स्क्वायर बन जाता है तो स्क्वायर के अंदर हम डायगनल पता होना चाहिए, तो देखो एक डायगनल तो ये होता है और एक डायगनल ये होता है, दो डायगनल बन गए हमारे, एक डायगनल हमारा ये बन गया और एक डायगनल हमारा
ये बन गया। ध्यान रखना आता है दिखने में तो ये डायगनल है, बट मैट्रिक्स के अंदर डायगनल की जो प्रायोरिटी दी गई है वो फर्स्ट डायगनल को दी गई है। किसको दी गई है? फर्स्ट, मतलब ये वाला, इसको डायगनल बोला जाएगा। ठीक है, तो आगे जब भी मैं डायगनल बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट डायगनल को। ये क्या है? सेकंड डायगनल, इससे हमें मतलब नहीं होता। तो अगली आती है डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगनल के अंदर क्या हो? एलिमेंट्स हो। और वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्यों? क्योंकि डायगनल सिर्फ स्क्वायर में ही फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँ, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपसे पूछूं भाई इस मैट्रिक्स का मेरे को इसका ऑर्डर क्या है? 3x2। ऑर्डर एकदम आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका ऑर्डर है 3x2। और मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भाई मुझे इसका डायगनल बता दो, तो आप क्या क्या बनाओगे इसका डायगनल? ये इसका डायगनल बनाओगे, ये इसका डायगनल बनाओगे, क्या बनाओगे? बन ही नहीं सकता। डायगनल तो बिल्कुल क्रॉस एंड टू एंड होता है ना, यहाँ पे बन ही नहीं पाएगा। तो डायगनल कब बनता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो डायगनल मैट्रिक्स क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगनल्स में क्या हो? आपके एलिमेंट्स हो और बाकी अदर एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। ठीक है, जीरो होंगे, ये नहीं होंगे नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो होने जरूरी हैं, बट बाकी अदर एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं इसमें, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 0, 0। ठीक है, तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके डायगनल के अंदर एलिमेंट्स हैं। कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, एक्स वाई ले लो, कुछ भी हो, बट फर्स्ट डायगनल जो होता है हमारा, इसके अलावा बाकी जगह क्या होना चाहिए? जीरो क्या होना चाहिए? एलिमेंट में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ और भी हुआ ना, अगर यहाँ पे वन हो गया तो फिर ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर 3x3 की मैट्रिक्स दे दूं, क्या दे दूं? 3x3 की, तो इसके अंदर क्या बनेगा? एक्स 0, 0, 0, वाई 0, 0, 0, z। तो ये आपकी 3x3 की डायगनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा क्या होगी? स्क्वायर होगी। अब यहां पे एक डाउट क्रिएट होता है, क्या x ये भी आपकी डायगनल मैट्रिक्स है? जी हाँ, ये भी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये भी क्या, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ जी, ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1x1 की। इसके अंदर क्या डायगनल है? इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, वही इसमें डायगनल है। तो क्या हो गया? बाकी अदर एलिमेंट ही नहीं है, तो जीरो क्या मैं कुछ फालतू में करूंगा? ठीक है, तो बाकी अदर एलिमेंट इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो जीरो होंगे ही नहीं। तो ये भी क्या है? आपकी डायगनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नाउ आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या आते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल, मतलब यहां पे मैं एक्स वाई जेड कर रहा था ना, अब एक्स वाई जेड नहीं होनी चाहिए, अब एक्स 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 होनी चाहिए, या फिर वाई वाई, मतलब कुछ भी, कोई भी एलिमेंट हो बट इक्वल हो। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसकी? कि एक तो स्क्वायर होगी, पहली स्क्वायर होगी, सेकंड ये डायगनल होगी। ठीक है, ये क्या होगी? डायगनल होगी। थर्ड कंडीशन क्या होगी? इसकी सारे एलिमेंट जो डायगनल एलिमेंट होंगे, एलिमेंट क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। कौन से? डायगनल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल a 0 0, तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं। मैं बोल दूं ये एक a लिख दूं सिर्फ 1x1, तो ये क्या आपकी स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ जी, ये सिंगल एलिमेंट तो हर जगह फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये स्क्वायर भी है, इसके अंदर डायगनल भी है, और ए के एलिमेंट है तो खुद के इक्वल तो होगा ही, ए जो है वो खुद के इक्वल तो होगा ही, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आएगी। और कोई डाउट? 3 की अगर मैं बनाना चाहूं, अगर मैं 3 का बनाना चाहूं, तो 3 का भी बना सकता हूं। क्या? a 0 0 0 a 0 0 0 a। ठीक है, ये a बना रहा हूं, 0 मत समझ लेना, 0 के अलावा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, यहां तो 0 ही रहना है। खेल जो हो रहा है वो सारा इनका हो रहा है, डायगनल का। और डायगनल ध्यान रखना, फर्स्ट डायगनल जो होता है उसको ही डायगनल बोलते हैं, वही डायगनल में कंसिडर किया जाता है, सेकंड वाले को डायगनल नहीं बोलते। अब कोई आपसे ऐसे पूछने लग जाए 1, 2, 3, 4 और बोल दो, इसमें पूछने लग जाए डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप बोलोगे 1 और 4 डायगनल एलिमेंट्स हैं, 3 और 2 डायगनल एलिमेंट्स नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर इस वाले डायगनल को कंसीडर नहीं किया जाता, फर्स्ट डायगनल होता है इसको ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? ध्यान सुना एक एक वर्ड को। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगनल के सारे एलिमेंट
वन हूं, किसके हूं, वन हूं। तो फर्स्ट क्या है, स्क्वायर होनी चाहिए, सेकंड क्या है, डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड थर्ड क्या जाएगा इसमें, इक्वल टू वन, इक्वल टू वन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपका ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो वन वन जीरो जीरो, ये तो जीरो ही रहेंगे, कहानी कहां की है, डायगोनल की, ये आपके क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। एक चीज और बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूनिट। ध्यान रहेगा यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वन वन आता है, ठीक है। तो आपकी ये हो गया वन, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस टू, तो स्क्वायर होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए, और डायगोनल सारे क्या होनी चाहिए, वन के बराबर होने चाहिए, ठीक है। नाउ आते हैं जीरो मैट्रिक्स पे। जीरो मैट्रिक्स क्या क्या होती है आपकी, अच्छा अगर मैं यहां पे वन डाल दूं या फिर टू डाल दूं तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जी नहीं, क्योंकि यहां पे डायगोनल तो है, ये डायगोनल का एलिमेंट तो माना जाएगा, बट ये वन नहीं है, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये वाला सिंगल ये टू एलिमेंट अगर मैं लिख रहा हूं ना, ये सारी मैट्रिक्स में काम कर जाएगा, बस आइडेंटिटी में नहीं करेगा। आइडेंटिटी में होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को वन करना पड़ेगा। अगर मैं वन कर दूंगा, अब ये आइडेंटिटी भी है, स्केलर भी है, डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है, रो भी है, कॉलम भी है, ठीक है जी। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, अब कह रहे हो यार यहाँ पे वन है तो ये स्केलर कैसे होगी, अरे स्केलर में इक्वल होने चाहिए, वन हो उस समय मतलब नहीं, अब जो स्केलर वन हो जाता है उसको स्पेशल नाम दे दिया, आइडेंटिटी है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। क्या होते हैं सारे एलिमेंट, क्या इसका स्क्वायर होना जरूरी है, जी नहीं, स्क्वायर होना जरूरी नहीं, कैसे होता है, ये जीरो जीरो, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जीरो 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 जीरो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, वन, इसमें रो है, टू कॉलम, वन क्रॉस टू, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, टू बाय टू, ठीक है। तो बस जीरो होना चाहिए, क्या ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, जी नहीं। अरे भैया ये मैट्रिक्स ही नहीं है, क्योंकि यहां पे इस एलिमेंट को तो डिफाइन करोगे, यहां पे मैंने जीरो कर दिया, अब ये क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। क्या ये भी आपकी जीरो मैट्रिक्स है, जीरो जीरो वन, जी नहीं, एक एलिमेंट वन आ गया। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जी नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी थी, जिसके डायगोनल के अंदर वन हो, बाकी सब क्या हो, जीरो हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। जीरो मैट्रिक्स का एक और नाम होता है क्या, नुल, नुल मैट्रिक्स। नुल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जर्मन में जीरो को नुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ आते हैं आज के हम लास्ट टॉपिक है, विच इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल बोली जाएंगी, लेट करो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आपकी बी है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब बोली जाएंगी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या आई, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर एक ऑर्डर टू क्रॉस वन का है तो अगली भी टू क्रॉस वन की होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम बोल ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे कि भाई ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। नाउ सेकंड बात क्या है, सिर्फ ऑर्डर इक्वल से बात नहीं बनेगी, सेकंड बात है ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट। इसका मतलब ये है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई आपकी मैट्रिक्स है, मैं बताता हूं, ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी आपकी 2 क्रॉस 2 की है, और इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मेरे को ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स यहां पे ये मैट्रिक्स है, इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो जहां पर वन है ना वहां पे वन ही लिखना पड़ेगा, जहां पर टू है, जिस पोजीशन पे टू है उसी पोजीशन पे टू लिखना पड़ेगा, जिस पोजीशन पे थ्री है उसी पोजीशन पे थ्री लिखना पड़ेगा, जिस पोजीशन पे फोर है उस पोजीशन फोर। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अनदर मैट्रिक्स बना दूं 2 क्रॉस 2 की और उसके अंदर एलिमेंट में लिख दूं 1 2 3 4, और आप बोलो क्या ये दोनों इक्वल हैं, जी नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि जहां वन था वहां पे चार है, जहां तीन था वहां पे दो है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल नहीं है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, विद
पोजीशन, ध्यान रहता हूं उसकी पोजीशन के साथ, ठीक है, ध्यान ये रखना है, तभी मैट्रिक्स क्या बोली इक्वल जाएगी। अब इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत इजी सा, क्या बन जाता है कि जैसे मैं बोलूं ये ऐसे ए बी एंड सी एंड फाइव, और दूसरी ये इक्वल है 1, 2, 6 एंड डी, तो मैं वहां पूछेगा वो ए की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे ए यहाँ पे है, पहले ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है देखते हैं, इक्वल है क्यों, 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या इतना इनफ है, नहीं, उसने बोला है क्वेश्चन में क्या कि इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है इक्वल मैट्रिक्स, अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1 के बराबर होगी 101%, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, सी की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, डी की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ऐसे करके हम इसमें बड़े इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और अगर आपसे पूछ ले, एक और क्वेश्चन अगर आप पूछ ले कि एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 एंड 2y माइनस 7 एंड 6 बराबर, वो आपको दे दे 1, 0, 2, 3, ठीक है, बोल दे ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो एक्स प्लस 3 किसके बराबर होगा 1 के, एक्स प्लस 3 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी, एंड जेड प्लस 4 किसके बराबर होगा 0 के, जेड की वैल्यू आएगी माइनस 4, 2y माइनस 7 किसके बराबर होगा, ये आपका 2 के बराबर होगा, किसके बराबर 2, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3/2, इस तरीके से हम इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना, इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर इक्वल होगा और ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होंगे विद पोजिशन, आई होप आपको आज क्लास समझ में आई होगी, इसको यहां निपटाते हैं एंड यही विश्राम लेते हैं, एंड आपको होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 को आपको ट्राई करना है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अगली जो हम करेंगे सीधे 3.2 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज के, अगर मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा लगा इंपॉर्टेंट लगा वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है, सो जय हिंद, अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जितने भी अपने दोस्त हैं जो भी इस बार 12th में हैं उनको शेयर करो, पूरा सिलेबस करा जाएगा, ईच एंड एवरी टॉपिक कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, एकदम फ्री ऑन यूट्यूब यहीं पे, ठीक है, सो बाय, टेक केयर।